नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पावर एग्रीकल्चर में एक बार फिर से। दोस्तों, पावर एग्रीकल्चर परिवार की तरफ से 26 जनवरी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी का पावन पर्व है। दोस्तों, मैं आपको अपने घर में फील्ड है पीछे, उस पर गार्डन में दिखाऊंगा कि मैंने जाड़ों में क्या क्या सब्जी लगाई थी। और खाने की शुद्ध ऑर्गेनिक है ये, इसमें कोई प्रकार का फर्टिलाइज़र नहीं है। देख सकते हैं, ये धनिया की पत्ती है, ये टमाटर के पौधे लगाए थे कुछ, जिनमें इस समय फल भी आ गए हैं, अभी पकेंगे क्योंकि ठंडी ज़्यादा है इसलिए पक नहीं रहे हैं। ये जो धनिया की पत्ती ये वाली दिखाई दे रही है, लेट वैरायटी है बच्चों की, इसके पहले अर्ली वैरायटी भी गई थी, इसको तोड़ भी लिया गया। देखिए, उसमें फूल भी आ गए हैं, इस साथ में सरसों आ गई है। देख सकते हैं धनिया के फूल आ गए हैं, कितनी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे धनिया की लेट वैरायटी जिसमें पत्ती है, ये बरसात में तरोई बोई गई थी और लौकी बोई गई थी जिसमें फल वगैरह लगे हुए हैं, वो छत में देखिए फैली थी। अब तरोई का एंड हो गया है, मैं आपको दिखाऊंगा कि तरोई को अब अगले सीजन के लिए बोने के लिए हमें आगे क्या उसका प्रयास करना चाहिए। 26 जनवरी आज है और देखिए पपीता में ये रस्ट लगा है, ये बीमारी, मैं इसका आपको बीमारी के बारे में बताऊंगा। ये नेचुरल खा पी के फेंक दिए, तो जो बीज उसी से उगे हुए पपीते हैं ये, ये अब साफ करना है यहाँ पे। तो आप खुद ये देखिए, जुकुनी के जो सीड मैंने ग्रो किए थे नेचुरल तरीके से, वो अंकुरित हो चुके हैं। वहाँ पे पालक लगाई है छोटी सी, वो नेचुरल तरीके से अपने खुद के खाने पीने के लिए लगाई गई पालक है, देख सकते हैं आप। ये तो मार्केट से ली बीज लेके, वो इसके कई बार हार्वेस्ट हम लोग कर चुके हैं। वहीं पे सरसों का साग बना लेके, थोड़ी बहुत सरसों बो दी जाती है, इसके पत्तों से उन्होंने साग भी बनाया है। इसके पीले फूल देखिए कितने अच्छे लगते हैं। ये अपराजिता का पौधा है, पूजा के काम आता है, शुभ पौधा माना जाता है इसको। ये लाल तुलसी है, मैं आपको बताऊंगा अपराजिता को भी ग्रो करने का तरीका। चलिए चलते हैं आगे। हम लोग धनिया के बीज से गुजरते हुए ये देखिए, पूरी मेड़ है लंबी लंबी, उस इस मेड़ों के बीच में मूली भी लगी है। ये पालक का एरिया था ये वाला, इसके बाद ये मेथी कल हम लोगों ने काट ली है। ये देखिए, ये भाई दोस्तों, ये प्योर ऑर्गेनिक फूड है, इसमें किसी प्रकार का खाद नहीं मिलाया गया है, और हम लोग अपने घर के लिए होम पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। ये छोटा सा मेरा गार्डन का ओवरव्यू मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आज के ज़माने में हम लोग कितना सिंथेटिक फूड खा रहे हैं और खाद युक्त खाते हैं, तो नुकसान करता है। देखिए ये मेथी में भी फूल आने लगे हैं, ये मेरे कुछ गुलाब के पौधे हैं जो पहले ओवरव्यू में आपने जो मेरे वीडियो पढ़े हैं यूट्यूब में देखे होंगे। और
ये बटन रोज है, इसमें मल्टीपल फ्लावर हैं, सूख रहे हैं। इनकी केयरिंग वीडियो मैं फिर से डालूंगा आपको। ये देखिए पपीता मुरझा रहा है, इसमें सबसे अच्छा ग्रोथ इसने किया था, लेकिन इसमें क्या है, इसकी जड़ नीचे से मिट्टी बैठ गई, तो इस कारण अब ये मरने वाला पौधा है, इसका कोई उपाय भी नहीं है। मूली को हार्वेस्ट करने के लिए करते हैं, पैर से ऐसे पकड़िए और धीमे धीमे उखाड़िए। ये देखिए मूली उखड़ाई है, इसी तरह और भी मूली लगी है। ये ऊपर से मिट्टी नहीं पाई थी ये वाली मूली, इसलिए पतली हो गई ऊपर से, लेकिन अभी आगे भी और मूली लगी है। तो अभी शॉर्ट छोटा सा इसे कहेंगे टेम्परेरी लॉन था। अब चलते हैं आगे हम लोग। ये ऊपर बेर वृक्ष है, यहाँ पे बेर लगे हैं। ये शीशम का पेड़ है। सूर्यदेव आज 26 जनवरी के दिन दर्शन दे रहे हैं धुंध में। ये है हमारा होम गार्डन छोटा सा, इसमें सब खाने पीने की सब्जियां वगैरह वो दी हैं। ये देखिए बेर, देखिए ये बेर हैं, अभी कच्चे हैं, कुछ दिन में पकेंगे तो इसका आपको रिव्यू दूंगा। बहुत मीठा बेर है ये हमारे इस ज़मीन में बहुत पहले से लगे हुए थे, ये अभी हाल फिलहाल का नहीं है। ये आंवला का पेड़ है, इसमें बेचारे इस समय जाड़ों में उसकी पत्तियां झड़ गई हैं, फल भी दे चुका है। अब आगे मैं आपको एक बार वीडियो में दिखाऊंगा आंवला की, हाइब्रिड क्वालिटी का आंवला है, इसकी एयर लेयरिंग करना मैं दिखाऊंगा। देखिए बेर कितना लगा हुआ है, फल है इसमें, और ऊपर देखिए लौकी का वृक्ष है, वो देसी लौकी है, गोल तरह की, वो देखिए आप देख सकते हो जहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। वो बीज के लिए ऑलरेडी छोड़ रखी है हम लोगों ने उसको। देखिए ये लौकी देख पा रहे हो आप, ये वाली किस्म लौकी की, चलिए आगे चलते हैं। इस बेर के पेड़ के अलावा एक दूसरा बेर का पेड़ है, ये तो बहुत मीठा है, इसकी तो बात ही खत्म, कोई मतलब इसका नाम नहीं जानता हूँ मैं, इतना टेस्टी है। ये भी फर रहा है, ये तो मेरे हाथ की पहुँच में है, इसको देखिए ऐसे पकड़ के तोड़ सकते हैं हम लोग। इसमें कीड़े लग जाते हैं, पका नहीं कि कीड़े लग गए। दोस्तों ये देखिए ये चने बोए गए थे, लेकिन चूंकि अभी खेती के उद्देश्य से नहीं है, ये अपने स्वयं के लिए बोए गए। इसमें देखिए खरपतवार भी घास फूस के तौर पर उगाई है। ये देखिए चने के, हम लोगों के यहाँ चने का साग भी बनता है, तो तोड़ के चने का साग बनाते हैं हम लोग। ये देखिए ये सरसों का पौधा है, कुछ बीज आ जाते हैं मिक्स में चने के साथ, ये देखिए फल भी देने लगा है, देख रहे होंगे आप।
चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इस साइड ये चना लगा हुआ है इतने इलाके में। इसके बाद ये बरसीम, बरसीम एक ऐसी प्रजाति है चारे की जो पशुओं के खाने के लिए बोई जाती है। इसकी भी कई प्रकार की वैरायटी आती है। ये बोई गई है, इसका इससे फ़ायदा ये है कि इसको काटने के बाद ये दोबारा ग्रो करती है। फ़ायदा ये है कि मार्केट में ये महंगी बिकती है। अगर किसान भाई या कोई व्यक्ति मूल में इसका व्यवसाय करना चाहे तो अपने खेत में लगा के व्यवसाय कर सकते हैं। देखिए मूली वो रखी है लेकिन टूट गई, बेकार हो गया। ये भी किसी ने पैर रख दिया होगा यार, इसमें टूट गई मूली। मेड़ में हमेशा मूली बोई दी जाती है, ग्रो कर रहे हैं मूली। ये सब खरपतवार है यहाँ की, चना तोड़ लिया गया है। और देखिए मूली ये उखाड़ ली गई, पूरी मेड़ बनाई गई, इसमें बो दी गई है। और देखिए मटर है, मटर में हल्की फलियां आ गई हैं, छोटे से लाके मटर भी बोया गया है। इधर चने की साइड के बगल से देखिए ये हम लोगों ने गोभी लगाया है, गोभी के पौधे लगे हैं, इसमें फल भी आ गए हैं छोटे छोटे, देख सकते हैं आप। बटनिंग होना शुरू हो चुकी है। फूल गोभी है ये पत्ता गोभी है, अभी शुरू ग्रोथ में है ये लोग। दोस्तों ये देखिए ये पत्ता गोभी थोड़ा बड़ी हो गई है, इसमें हाँ गांठ है। ये था फील्ड एरिया जहाँ पे अपने खाने पीने का सब्जी भाजी लगाई हुई है। प्याज भी देखिए दोस्तों लगाई है, तो प्याज काट ली गई है, काफ़ी उखड़ भी गई है। आइए चलते हैं छत में, छत में दिखाते हैं आपको। वो नीचे जो लौकी बोई गई थी ये उसकी बेल है, छत में लगी हुई। देखिए एक गोल लौकी का फल है। कमेंट करके बताएं इसके आपके यहाँ इस लौकी को क्या बोला जाता है। इसे हमारे यहाँ तो घिया लौकी या देसी लौकी भी बोली जाती है। इधर पे तरोई, इधर पे दूसरे प्रकार की लौकी भी लगी है। यहाँ पे मुरझा रही है ये सब। बस दोस्तों घर के खाने पीने के लिए थोड़ा सा प्रयास है ताकि स्वस्थ रह सकें। दोस्तों बताइए अपना व्यू, आगे वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।